राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में फिर से बढ़ते मामलों ने चिंता भी बढ़ा दी है। दिल्ली में संक्रमण दर 17.83% पहुंच गई है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले देखते हुए हर रोज 2000 के आसपास मामले आ रहे हैं, जबकि अभी दिल्ली में एक्टिव केसों की बात करें तो 8205 हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोग लापरवाही न बरतें। अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है, ऐसे में बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है। बाजारों में लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे। नहीं, जरूर पहनेंगे। अब पहले नहीं था, कम हो गया था, लेकिन अब हो गया है तो जरूर पहनेंगे। लेकिन अब मामले बढ़ रहे हैं ना बहुत ज्यादा, तो उस चीज को देखते हुए हम भी मास्क लगाना जरूर करेंगे। हाँ, जो नहीं पहनेगा उसके लिए मास्क तो चलाना जरूर होना चाहिए, और अब बढ़ा है केस तो जरूर पहनेंगे। वहीं से पहले लोगों ने प्रोटोकॉल का अच्छी तरह से पालन किया था, जिसके बाद कोरोना के केस कम हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से ये मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में चिंताएं बढ़ना भी वाजिब है। वहीं सरकार और प्रशासन भी पूरे अलर्ट मोड में है। दिल्ली में पब्लिक प्लेस पर मास्क नहीं पहनने पर चालान काटने का आदेश जारी किया गया था। हालांकि अभी पूरी दिल्ली में इस नियम को लागू नहीं किया गया। दक्षिण दिल्ली जोन में भी अभी ऑर्डर जारी किए गए हैं कि पब्लिक प्लेस में अगर लोग मास्क नहीं पहनते तो उनका चालान किया जाए। लोगों को 500 रुपए का चालान भरना होगा। हालांकि अभी प्राइवेट कार में सफर करते समय ये नियम लागू नहीं होगा। हमने सबको बोला है बिना मास्क के मार्केट नहीं आए। 2 गज की दूरी भी जरूरी है। अभी कोरोना खत्म नहीं है, ओमिक्रॉन खत्म नहीं है, हमें सावधानी रखनी है। माननीय प्रधानमंत्री पूरे देश से बार बार अपील करते हैं, मास्क पहनिए, भीड़ भाड़ भड़के वाली जगह में जाएं, बाजारों में जाएं, मास्क अनिवार्य है। मैं दुकान अभी फिर दोबारा से 500 रुपये जुर्माना शुरू हो गया है। सभी दुकानदारों से, हर आने जाने वालों से बोलते हैं कि बिना मास्क के ना आए। भीड़ भड़के वाली जगह में, बाजारों में आए तो मास्क जरूर लगाएं, 2 गज दूरी का भी ध्यान रखें। यही सावधानी हमारे काम आएगी, और ओमिक्रॉन और कोरोना को कैसे भारत में कम हुआ, यही हमारी सावधानी ही थी। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी जो कोरोना के मामले सामने आए उनमें लक्षण कम गंभीर हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि डायबिटीज, हार्ट, टीबी जैसी गंभीर बीमारियों वाले लोगों के लिए काफी जोखिम उठाना पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि मास्क पहने और कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें, जिससे कोरोना के संक्रमण से खुद को बचाया जा सके। देवेश कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।